एक तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज भारत के नाम हुई, तो दूसरी तरफ पिछले 18 साल से भारतीय क्रिकेट का हिस्सा रहे विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इस साल पार्थिव पटेल आईपीएल में विराट कोहली की टीम आरसीबी की ओर से खेल रहे थे। भारतीय विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने बुधवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा कि मैं आज अपने 18 साल लंबे क्रिकेट कैरियर को विराम देते हुए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रहा हूं। बीसीसीआई ने मुझ पर भरोसा जताते हुए 17 साल की उम्र में ही टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका दिया। बीसीसीआई ने जिस तरह से मेरा साथ दिया उसके लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा। 35 साल के पार्थिव ने साल 2002 में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज डेब्यू किया था। उस समय उनकी उम्र 17 साल 153 दिन थी और वो टेस्ट फॉर्मेट में भारत के सबसे कम उम्र के विकेटकीपर बने थे। पार्थिव ने अपने कैरियर में 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 टी20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उनके पास 934, वनडे में 736 और टी20 में 36 रन हैं। घरेलू क्रिकेट में पार्थिव ने 194 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 43.39 की औसत से 11,240 रन बनाए हैं। साल 2017 में उन्होंने गुजरात को पहली बार रणजी चैंपियन बनाया था। आईपीएल में वो आरसीबी के अलावा मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेल चुके हैं। आईपीएल के 139 मैचों में उन्होंने 22.60 के एवरेज से 2,848 रन बनाए हैं, जिसमें इनके 13 अर्धशतक भी शामिल है। पार्थिव पटेल के संन्यास को लेकर उनके पत्नी अवनी पटेल ने भी उनके इस फैसले में साथ देते हुए ट्विटर पर एक मैसेज लिखा। उन्होंने लिखा, डियर हस्बैंड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो दिन आखिर आ ही चुका है। मुझे पता है कि कितना मुश्किल है क्रिकेट को अलविदा कहना, हमारे लिए भी। उन्होंने आगे लिखा कि हमें गर्व है तुमने जो भी काम किए हैं। उनकी पत्नी ने उन्हें आगे की जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि मैं आशा करती हूं कि तुम इस नए सफर में सफलता और खुशियां मिले, तुम्हें आगे बहुत सारे मौके मिले कि जो तुम चाहो वो कर सको। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हार के बाद पार्थिव पटेल ने कोहली की कप्तानी के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय टी20 टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को दी जानी चाहिए। एक टीवी शो के दौरान पार्थिव पटेल ने कहा कि यहां पर सवाल इस बात का है कि कौन टीम के हित में बेहतर फैसला कर सकता है और कौन खेल को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। इसके अलावा रोहित और विराट में से कौन दबाव में बेहतर फैसला करके टीम को जीत दिला सकता है। मेरा मानना है कि इन सारे मामलों में रोहित शर्मा विराट कोहली से आगे हैं। आपके जहन में पार्थिव पटेल की कौन सी शानदार पार्टी आज भी जीवित है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।